हेलो फ्रेंड, जिमाइनटेक में आप सभी का स्वागत है। तो कल गूगल ने अपने बेहतरीन फोन गूगल पिक्सल 2 को लॉन्च कर दिया। तो पुराने टाइम मतलब पुराने दिन में नेक्सस हुआ करता था, पर अब तो पिक्सल हो गया। तो पिछले साल से गूगल ने नेक्सस लाइनअप को खत्म कर दिया पूरी तरह, और उन्होंने एक नया नाम रखा पिक्सल। इन्होंने कहा कि फोन हम खुद बनाएंगे, एक फोन मेड बाय गूगल। पर ऐसा होता नहीं। इस बार का फोन जो है एलजी ने बनाया था, पिछली बार एचटीसी ने बनाया था, तो डिजाइन सिमिलर है जैसा पिछले साल का था वैसा ही है। तो इस बार की एक अफवाह यह भी थी कि बजल डिजाइन आएगा, जैसा कि कॉन्सेप्ट है वीवो V7 या S8 का, तो उस तरह की डिजाइन आई जरूर है। तो पिछले साल का गूगल पिक्सल था, उसका कैमरा बहुत ही बेहतरीन था, तो इस बार का भी कैमरा अच्छा है, लेकिन प्राइस थोड़ी ज्यादा है अभी। क्या क्या हम आपको फटाफट बता देते हैं। तो पहले चीज, इन्होंने S8 और S7 की तरह जो पिछले साल सैमसंग ने लॉन्च किया था, उस तरह ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मानी कि डिस्प्ले कभी बंद नहीं होगा। पिछले साल का डिस्प्ले जो था, आप हाथ में लेते थे तो बंद तभी ऑन होता था, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद बंद हो जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने डिस्प्ले को ऑलवेज ऑन कर दिया जैसे सैमसंग करता है, और इन्होंने एक बार डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट दे दिया। हालांकि ये सैमसंग के फ़ोन की तरह नहीं है कि आप इसको पानी में डुबो के आधे घंटे छोड़ देंगे तो नहीं होगा, लेकिन ये हल्की फुल्की बारिश को आसानी से झेल सकता है। तो फटाफट आपको बता देते हैं गूगल पिक्सल 2 और पिक्सल XL में क्या है। पिछले साल की तरह दोनों फ़ोन के अंदर सेम प्रोसेसर लगा हुआ है, 8845 लगा हुआ है। तो हम आपको दिखा देते हैं, दोनों ही फोन में स्नैपड्रैगन का 835 चिप लगी है। क्लॉक स्पीड जो है वो भी लगभग सेम टू सेम है। थोड़ी सी अंतर है, जो पिक्सल XL में है वो आपको 2.35 GHz मिलेगी, और जो गूगल पिक्सल है, गूगल पिक्सल 2 है, अच्छा बड़ा सा नाम रखें, उसमें 2.45 GHz मतलब मिलेगी। थोड़ी सी क्लॉक में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। GPU है जो सेम टू सेम है, दोनों ही फ़ोन में आप एक ही सिम लगा सकते हैं, और मेमोरी कार्ड का ऑप्शन तो गूगल और एप्पल तो कभी देते ही नहीं है, गूगल भी एप्पल ही समझ लीजिए। तो फ़ोन के अंदर जो LTE की चिप लगी है, इस बार जो चिप लगाई गई है, पिछले बार LTE की कैट 9 चिप लगी हुई थी। अगर आप नहीं जानते तो इसे LTE की जो बैंड होता है वो काफ़ी सारे बैंड को सपोर्ट करता है। इस बार इन्होंने LTE की सबसे लेटेस्ट कैट 16 चिप लगाई है, जो 1 GB तक की डाटा ट्रांसफर रेट में क्षमता है, मतलब कि डाउनलोड स्पीड जो है 1 GB तक 1 सेकंड में डाटा का ट्रांसफर कर सकता है। तो 1 GB का मतलब होता है कि 100 MB की डाउनलोड स्पीड आपको मिलेगी, अगर आपका मोबाइल नेटवर्क इतना सपोर्ट करता है। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ फ़ोन को इस बार थोड़ा पतला रखा गया है, दोनों फ़ोन में अगर गूगल पिक्सल XL है तो वो थोड़ा सा 1.1 mm ज़्यादा मोटा है, जो वो 7.9 mm है, और गूगल पिक्सल 2 जो है वो 7.8 है। वेट जो है दोनों का लगभग 30 ग्राम का ज़्यादा है। गूगल पिक्सल 2 है जो 175 ग्राम का है, और गूगल पिक्सल 2 XL जो है 175 ग्राम का है, गूगल पिक्सल 2 जो है 140। दोनों में नैनो सिम लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड लिखा हुआ, ये क्या चीज़ है अब बाद में देखेंगे। इस सिम में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, दोनों ही फ़ोन IP65 सर्टिफाइड, डस्ट अवार्ट 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब रियल टेस्ट में ऐसा होगा तो देखा जाएगा। इन्होंने एक नई तरह का डिस्प्ले इस बार लगाया गया है पिक्सल XL 2 में, AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, तो और दूसरे में AMOLED डिस्प्ले लगा, दोनों ही डिस्प्ले सैमसंग के हैं। लेकिन जो पुराना वाला डिस्प्ले है XL 2 में, पिक्सल 2 में, वो है सेम डिस्प्ले है जो गैलेक्सी S8 में लगा हुआ है, मतलब बेजल लेस डिस्प्ले है, मतलब किनारे नहीं है, किनारे पूरे राउंड रहेंगे। तो स्क्रीन साइज की बात करें तो 1 इंच स्क्रीन का अंतर है, पिक्सल XL 2 में 6 इंच की स्क्रीन है, और पिक्सल 2 में 5 इंच की स्क्रीन है। डिस्प्ले दोनों की क्वालिटी में भी थोड़ा अंतर है, पिक्सल XL 2 है जो 4K डिस्प्ले है, और पिक्सल 2 जो है वो 2K डिस्प्ले, मतलब कि वो फुल HD डिस्प्ले है, और दूसरा वाला जो है 4K डिस्प्ले है। PPI जो है 4K डिस्प्ले की, मतलब पिक्सल XL 2 की 528 PPI पर इंच है, मतलब 1 इंच के अंदर 538
पिक्सल है और दूसरे फ़ोन के पिक्सल पिक्सल 2 में 441 है। तो ये 441 बुरा नहीं, क्योंकि पिछले साल नक्सा 5S में भी लगभग 423 PPI ही था। तो डिस्प्ले हमें लगता है सेम टू सेम वैसे ही है, क्योंकि इसमें बेदलस नहीं है। ये डिस्प्ले पुराने वाले डिस्प्ले की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि पिछले साल जो नक्सा 5X था और पिक्सल 2 था लॉन्च, वो 5.2 इंच के डिस्प्ले थे। तो इस बार ये डिस्प्ले थोड़ा छोटा है। गोरिल्ला ग्लास का इस बार 5 है, एंड्रॉयड 8.0 ओरियो के साथ लॉन्च होंगे। तो अब पिक्सल के फ़ोन हैं तो उसमें एंड्रॉयड का कोई दिक्कत है नहीं 2 साल तक। हाँ, अगर आप ये फ़ोन खरीदते हैं तो आपको गूगल 2 साल तक एंड्रॉयड का अपडेट देगा और 3 साल तक सिक्योरिटी पेज देगा। मतलब जितने भी अपडेट आएंगे सबसे पहले गूगल को मिलेगा। तो SD कार्ड आप लगा नहीं सकते, जैसा कि एप्पल और गूगल पिक्सल में होता है कि आप SD कार्ड का ऑप्शन नहीं होता। दोनों फिन 32 GB और 16 GB को हटा दिया गया, सीधे 64 और 128 GB का ऑप्शन में है। तो अगर आप अभी आपको प्राइस बता देंगे तो 10,000 रुपये का अंतर मिलेगा। तो हम आपको रिकमेंडेड करेंगे आप 128 GB खरीदिए अगर आप खरीद रहे हैं। अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है तो आप 64 GB ले सकते हैं, पर उसमें थोड़ा स्टोरेज का दिक्कत होगा आपको। पिछले साल की तरह कैमरे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, दोनों ही कैमरे पुराने ही 12.3 मेगापिक्सल के हैं, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ और EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जायरोस्कोप के साथ काम करता। मतलब पिछले साल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन था, इस बार ऑप्टिकल भी है। तो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन मिला के दिए, तो इस बार कैमरा थोड़ा अच्छा होगा। हर कंपनी की तरह इन्होंने डुअल कैमरा सेटअप नहीं किया है, सिंगल कैमरा है, वही पिछले साल वाला है, डुअल LED फ्लैश है। सेंसर साइज भी ठीक पिछले साल वाली है, वीडियो दोनों ही 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं, सभी के सभी जितना है, सब कोई अंतर नहीं है। आगे का कैमरा भी दोनों का सेम टू सेम है, कुछ भी बदला नहीं गया है। इस बार हेडफोन में जो पिक्सल 2 है उसमें स्टूडियो स्पीकर दिया गया है, दूसरे वाले में भी शायद स्टूडियो है, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है। नॉइज कैंसलेशन दोनों है, दोनों ही फ़ोन जो है वाईफाई के 5 GHz बैंड को सपोर्ट करते हैं और ब्लूटूथ के 5.0 वर्जन पे काम करते हैं। दोनों फ़ोन में GPS जो है ग्लोनेस का है, अगर और दोनों ही फ़ोन USB-C टाइप सपोर्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम। अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी की, तो बैटरी में ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है, क्योंकि बैटरी जो है गूगल पिक्सल 5 मतलब 2016 में लास्ट में रिलीज किया गया था नेक्सस 5, क्योंकि उसी टाइम गूगल दो फ़ोन लॉन्च करने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो पिछले साल की तरह उस साल की तरह 2700 mAh की बैटरी दी गई है, क्योंकि हमें लगता है नेक्सस 5 की बैटरी इसमें लगी हुई है। हमें ज़्यादा लगता है कि फ़ोन भी नेक्सस 5 है, बस इसके पीछे की डिज़ाइन ही बदल दी गई है और बस और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि कंपनी सेम भी सेम है, हार्डी सेम टू सेम जगह ही लगी हुई है। और इस बार जो नेक्सस 5S की बैटरी थोड़ी सी बड़ी की गई, पिछले साल 3500 कुछ थी, इस बार 3520 mAh की है। दोनों फ़ोन ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, पर नेक्सस में फास्ट चार्जिंग नहीं होती है, ना ही पिक्सल में, तो वहाँ रैपिड चार्जिंग होती है। 5V 3A का अडाप्टर आपको मिलेगा और दोनों ही फ़ोन USB 3.0 सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ थी, अब इनका प्राइस बता देते हैं। तो आपको पिक्सल एक्सल का पहले बता देते हैं। तो पिक्सल एक्सल आपको जो है 64 GB का मॉडल वो आपको मिलेगा इंडिया में 73,000 रुपये का। ये 72,200 कुछ रुपए का है, पर 72,000 कुछ रुपए का मतलब 900 का है। तो राउंड फिगर आपको बताया 73,000 रुपये का पिक्सल एक्सल 2 मॉडल जो है भाई, और 128 GB का जो मॉडल है वो आपको 82,000 रुपये मिलेगा, मतलब गैलेक्सी S8 से थोड़ा सा ज़्यादा है, उनका भी इतना ही है। और अब बात करते हैं पिक्सल 2 की, तो पिक्सल 2 आपको मिलेगा 44,000 रुपये, मतलब 44,000 रुपये में आपको मिलेगा 64 GB का मॉडल। और इनका जो नहीं सॉरी गलती हो गई 44,000 रुपये में नहीं, आपको पिक्सल एक्सल 2 जो है वो आपको मिलेगा 61,000 रुपये में, और इनका दूसरा मॉडल जो है 128 GB का वो आपको 70,000 रुपये। जैसे हमने पहले बताया था 10,000 रुपये का अंतर होता है, तो अगर आप 9,000 रुपये और लगा देते हैं तो आपको लगभग डबल स्टोरेज मिल जाती है, मतलब 64 से 128 GB की स्टोरेज मिलने पर आप 9,000 रुपये नहीं खर्च करना चाहते तो आप एक OTG पेनड्राइव से भी काम चला सकते हैं, मूवी रिकॉर्ड करके उसमें पेनड्राइव में स्टोर कर लीजिए, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं, 9,000 रुपये आपके बच जाएंगे। अब बात करते हैं फ़ोन आपको लेना चाहिए नहीं।
वैसे भी नए फ़ोन जब भी लॉन्च हो कोई भी कंपनी का तो तुरंत नहीं लेना चाहिए, आप इसको वेट करिए थोड़ा, कम से कम 5-6 महीने वेट करिए। इस फ़ोन के प्राइस जो है सभी के 10,000 मिनिमम कम हो जाते हैं, और पिक्सल 2 का प्राइस तो कम होगा ही, क्योंकि हर बार कंपनी जब भी लॉन्च करती है शुरू में बहुत ज़्यादा प्राइस लेती है, बाद में प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप थोड़ा प्राइस कम होने का वेट करिए। अगर आप चाहते हैं इनके पुराने वर्जन लेने चाहते हैं तो ले सकते हैं आप, तो पुराना जो पिक्सल एक्सल है, मतलब गूगल पिक्सल एक्सल फर्स्ट जनरेशन का जो है, वो आपको 32 GB मॉडल ही उपलब्ध है अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे वो आपको 44,000 रुपये मिल जाएगा, और उसी वो आपको सिल्वर कलर का, और अगर आप पिक्सल की लेना चाहते हैं ब्लैक कलर का तो आपको 43,000 रुपये मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल 2-3 फ़ोन उपलब्ध हैं, क्योंकि बाकी सारे सोल्ड आउट हो गए हैं, अब नए नहीं आएंगे, क्योंकि जो पुराने स्टॉक है वही हैं। तो अगर आप उनको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि अभी 1 साल बचा ही हुआ, आपको एंड्रॉयड के 2 वर्जन के अपडेट आसानी से पिक्सल और पिक्सल एक्सल में मिल जाएंगे। लेकिन आप पिक्सल 2 एक्सल लेंगे या पिक्सल 2 लेंगे तो आपको एंड्रॉयड का 8 तो मिलेगा ही, 9-10 तक अपडेट आपको मिलेगा, आपको 10 तक अपडेट मिलेगा एंड्रॉयड का, और प्लस उसके 1 साल और आगे तक आपको सिक्योरिटी पेज मिलेगा, मतलब जो भी वायरस के अटैक सिक्योरिटी पेज गूगल के पास आएंगे वो सबको आपको दिया जाएगा। वैसे भी गूगल का पिक्सल फोन 2 से 2.5 साल से ज़्यादा कोई चलाता नहीं। तो ये क्विक रिव्यू बताया था, अब तो आप थोड़ा पिक्चर दिखा देते हैं आपको। तो पिक्सल एक्सल 2 जो है वो देख रहे हो काफ़ी अच्छा है, कैमरे में हमें जहाँ लगता है ज़्यादा इम्प्रूव किया गया होगा पिक्सल एक्सल में, ये कैमरा इनका पुराना वाला ही है जहाँ तक हमें दिख रहा है, कैमरा इनका भी पुराना अच्छा है जो पुराना पिक्सल एक्सल 2 का, मतलब पिक्सल 2 का था, तो कैमरा अच्छा है। इस बार इनका लॉन्चर में थोड़ा सा हमें डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि जो गूगल का सर्च इंजन है, मतलब सर्च बार है, वो नीचे ऊपर था वो नीचे ला दिया गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ लॉन्चर की खासियत है, अपडेट होने के बाद वो सारे फ़ोन में आ जाएंगे। तो इसके बाद एक बड़े फ़ोन की और भी लॉन्चिंग होने वाली है, LG B30 के लॉन्च होने, अब उसका देखते हैं प्राइस क्या रखा जाएगा। उसके बाद मार्केट में हमारे चारों कंपनियों के फ़ोन आ जाएंगे, मतलब एप्पल के, सैमसंग के, गूगल के और LG की, यही 4 कंपनियां हैं जो बड़ी हर साल जो अपने फ्लैगशिप मॉडल लॉन्च करती है, सभी का प्राइस 60 के ऊपर ही रहता है, तो सारे टाइम सब लोग इसी का बात करते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो अभी फिलहाल इंडिया में बाई करने का कोई ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ प्री ऑर्डर मिल रहे हैं, तो हमने काफ़ी सर्च किया पर हमें कोई बाई का लिंक नहीं मिला। फिर यार अगर पिक्सल और पिक्सल एक्सल मतलब पिछले साल वाला आपको लेना है तो हम आपका उसका आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अच्छी लगे हो तो शेयर करिएगा, और अगर आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।